दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल्टा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कल आया था रिजल्ट हाई स्कूल और बारहवीं का। रिजल्ट हमेशा आता रहता है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चर्चा इसलिए है क्योंकि एक जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जहाँ से 6 टॉपर हाई स्कूल की और 6 टॉपर इंटर के हैं, वह जिला चर्चा में है। अक्सर बागपत का नाम लेने के बाद लोग किसान, गन्ना और अजीत सिंह को जोड़ करके देखते हैं, लेकिन बागपत आज चर्चा में है पढ़ाई के मामले में। बागपत का एक कॉलेज है जहां से बड़ी संख्या में टॉपर्स निकले हैं। हाई स्कूल और बारहवीं का जो टॉपर है उत्तर प्रदेश का, वो उसी स्कूल का है। टॉपर्स के बाद चर्चा इसलिए शुरू होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो इलाका था वो पढ़ाई के मामले में कभी टॉप पे हुआ करता था, लेकिन कई बार से अब पश्चिम की तरफ से बच्चों ने टॉप करना शुरू कर दिया है। क्या कहा जाए, पूर्वांचल में राजनीति ने ऐसा एक मकरजाल बनाया कि अब बच्चे पूर्वांचल की जगह पश्चिम की तरफ से ज़्यादा आने लगे। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पश्चिम में मैंने काम भी किया है। बागपत एक ऐसा जगह है जहाँ से गन्ने की खुशबू आती है, उसकी महक आती है और राजनीति अजीत सिंह के नाम से जानी जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन आइए अब चर्चा करते हैं कि वो कौन सा कॉलेज है जहाँ से इस बार टॉप बच्चों ने ज़्यादा किया है। और यही भी बड़ी बात है कि बागपत में एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चों ने टॉप करने का एक बड़ा तमगा हासिल कर लिया है। आइए उनमें हम सबका नाम बताते हैं कि वो टॉपर्स कौन हैं और किस कॉलेज से हैं, कितने परसेंट के साथ उन्होंने टॉप किया है और अब उनकी उपयोगिता कितनी बढ़। जिले में जो हाई स्कूल के 6 टॉपर हैं उनका नाम बता देते हैं आपको। रिया जैन 96.6%, श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौत। उज्ज्वल तोमर 94.50, श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत। अच्छित त्यागी 93.17, श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत। जयंत तोमर 92.00, श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत। इति जैन 90% है इनका। ये भी SJSDJIC अमीर नगर सराय की हैं ये। और निशु हैं 90% इनका है, इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज बड़ौत। अब आइए जरा 12 के लोग जो बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं। अनुराग मलिक जिनका 97% है, श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौत के हैं। गरिमा कौशिक 93.80, श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत है। शिवानी है 92.30, श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत है। आक्सी हैं 91% है इनका। SD गर्ल्स इंटर कॉलेज बड़ौत है। और एक है हर्ष पाराशर 88.00 है इनका। और ये है शील चंद इंटर कॉलेज अमीनगर सराय। अंकिता हैं 86.20, MG इंटर कॉलेज ढिकौली। आपने नाम सुना और ये बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, ये एक चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब यहाँ भी पढ़ाई का मामला फिट हो गया है। और चर्चा इस बात की है कि अचानक से पश्चिम की तरफ एजुकेशन का हब बनने की बात होने लगी है। लगभग यह एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि बागपत ने अपने यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पास करा दिया है और ये बच्चे अब देश के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं। ने बताया है कि इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हैं और जो बाकी सारे बच्चे हैं उनके अपने अलग अलग सपने हैं। तो अब पढ़ाई के मामले में पश्चिम का बागपत जो है वो ऑक्सफोर्ड की तरह डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बच्चों को इस वीडियो को देख करके सीखना चाहिए कि उन्हें पढ़ाई में किसी भी स्कूल कॉलेज की तुलना नहीं करनी चाहिए। उनकी पढ़ाई ही उनके जीवन का भविष्य है, उनका लक्ष्य है और वहीं से वो टॉप कर सकते हैं, वहीं चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, बागपत एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बन गया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।